हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा। गाइस, अगर आपका स्वीट टूथ है और आपको मीठा खाना बहुत पसंद है और आप उसको खा खा के अपना वेट बढ़ाते रहते हैं और आप बहुत परेशान रहते हो कि कितना भी कंट्रोल कर लो आप मीठा खाना नहीं रोक पाते, तो आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा डेजर्ट की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है, मीठा भी है, लेकिन आपको वेट गेन बिल्कुल भी नहीं देगा, इनफैक्ट आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्दी वेट लॉस फ्रूट क्रीम की रेसिपी। यस, फ्रूट क्रीम, वो भी हेल्दी, वो भी वेट लॉस के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और सबसे पहले मेरे किचन में चलते हैं और देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले फ्रूट क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए हंग कर्ड यानी पानी निकली हुई दही। उसके लिए मैंने एक बोल ले लिया, उसके ऊपर कपड़ा रख लिया है, कोई भी कॉटन का कपड़ा। एक कटोरी दही ले लिया मैंने, यहाँ पे घर की जमी हुई लो फैट कर्ड है ये, और उसको कपड़े के ऊपर डाल दिया है मैंने। और इसका पानी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे, अच्छे से स्क्वीज कर देंगे इसको। अभी एक छन्नी ले रही हूँ मैं, बोल के ऊपर रख दूंगी और दही उसके ऊपर रख दूंगी और अराउंड 30 मिनट से 1 आवर तक इसको छोड़ देंगे तो ये हंग कर्ड हमारी रेडी हो जाएगी। अब एक बोल ले रही हूँ मैं यहाँ पे, जो भी फ्रूट्स हो आपके पास घर पे ना, आप ये सारे के सारे इसमें डाल सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाइनएप्पल ले रही हूँ चॉप्ड, थोड़ा सा पोमेग्रेनेट अनार ले रही हूँ, चॉप्ड एप्पल ले रही हूँ, चॉप्ड पपाया, चॉप्ड कीवी ले रही हूँ, चॉप्ड बनाना, थोड़ा सा इलायची पाउडर, कुटी हुई इलायची आप इसके ऊपर डाल दीजिए और ये रेडी है हमारी हंग कर्ड जो हमने बनाई थी, इसके अंदर डाल देंगे। और एक स्पून हनी ले रही हूँ मैं और बस इसको मिक्स कर देंगे हम। वेरी वेरी सिंपल, कोई भी फ्रूट्स आपके पास घर पे पड़े हो आप इसमें डाल सकते हैं, कोई स्पेशल फ्रूट हमको नहीं चाहिए, जो फ्रूट्स आपके घर पे अवेलेबल हो, जो आपको अच्छे लगते हो, सब आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन इसको पोर्शन कंट्रोल में खाना है, सिर्फ एक कटोरी हमें इसको खाना है। किसी भी मील में आप इसको ले सकते हो, या तो इसको एज ब्रेकफास्ट या एज लंच आप इसको ले सकते हो, डिनर में आप इसको मत लीजिए। थोड़े से यहाँ पे मैं स्लाइसेस कर दिए मैंने आमंड्स के, इसको डाल रही हूँ इसमें, स्लाइस करे हुए बादाम है ये, दैट्स इट। इसको अब मैं अपनी एक बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। माउथ वाटरिंग गाइस, कितना यमी लग रहा है देख के ही, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं तो इसको अभी के अभी खाने वाली हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करो, इजंट इट ब्यूटिफुल, कितना यमी लग रहा है ये, इट्स वेरी वेरी डिलिशियस, ट्रस्ट मी, इसको आप ज़रूर ट्राई करो। और अगर आपका स्वीट टूथ है ना तो इससे ज़रूर सेटिस्फाई हो जाएगा और आप बिल्कुल भी वेट गेन नहीं करेंगे इसको खाकर। इट्स एक्सेलेंट एंड सुपर्ब फॉर वेट लॉस। तो गाइज, ये थी वेट लॉस फ्रूट क्रीम की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा क्विक है, इसको कोई भी बना सकता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको आज ही बना के आप ट्राई करो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके बेनिफिट्स। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर है कर्ड यानी कि दही, वो भी घर की जमी हुई लो फैट स्किम मिल्क की। और दही के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये आपको मालूम ही है कि दही जो है वो हमारा सुपर प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक ऐसे फूड होते हैं जो हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में हेल्दी या गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, गट फ्रेंडली होते हैं, और जिससे कि हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। दही जो होती है वो बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का, वाइटामिन B12 का, कैल्शियम और वाइटामिन डी का, इसीलिए आपके बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये, इम्यूनिटी बढ़ाती है। और इसमें जो बहुत सारे फ्रूट्स डाले हैं मैंने, वो तो अमेजिंग सोर्स हैं विटामिन्स और मिनरल्स का, फाइबर का सोर्स है, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है या पेट की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये, और वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। तो इसको ज़रूर बना के आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से उसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़
और वेट लॉस के लिए डाइट प्लान्स मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगी वेट लॉस के लिए कोई अमेजिंग सी रेसिपी या कोई और ज़बरदस्त सा डाइट प्लान। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल गाइज, बाय फॉर नाउ।